हेलो फ्रेंड्स, आज हर कोई घर बैठे पैसे कमाना चाहता है या फिर बिन ज़्यादा मेहनत किए पैसे कमाना चाहता है और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो ऐसे में शॉप का बिजनेस शुरू करना आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए तक की राशि पड़ी हुई है तो आप इन पैसों को यूज़ करके अपना खुद का एक शॉप शुरू कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को 50 शॉप बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा, जिन शॉप को ओपन करके आप बैठकर पैसे कमा सकते हो। शॉप बिजनेस आइडियाज़ के अंदर आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ग्राहक खुद चलकर आपके पास आता है और आप बैठे बैठे पैसे कमा लेते हो। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से 50 शॉप बिजनेस आइडियाज़ है जिनको आप शुरू कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हर दिन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको भी हर दिन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे हर एक न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फर्स्ट है एग शॉप बिजनेस। दोस्तों, एग शॉप बहुत ही कम पैसों में शुरू होने वाला बिजनेस है और ये काफी ज्यादा मुनाफा कमा कर देने वाला बिजनेस साबित होता है। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम काफी अच्छी है। इस बिजनेस को शुरू करके आप 30,000 से भी ज्यादा हर महीना कमा सकते हो। सेकेंड शॉप बिजनेस आइडिया है वेल्डिंग शॉप बिजनेस। दोस्तों, वेल्डिंग की जरूरत हर जगह पर होती है, हर कंस्ट्रक्शन में होती है। आपको क्या करना है, बस बिल्डिंग से एक टाई अप करना है। जैसे ही लोग उस बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए आ जाएंगे, उनको सेफ्टी के लिए एक स्टील का कवर लगाकर चाहिए होता है, जिसको आप बनाकर दे सकते हो और उसके बदले में अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो। थर्ड शॉप बिजनेस आइडिया है चिकन शॉप बिजनेस। दोस्तों, चिकन शॉप कहीं पर भी खोलो, चलने वाला बिजनेस है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कम पैसों में आपको कोई शॉप ओपन करना है, तो चिकन शॉप ओपन करना काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। फोर्थ शॉप बिजनेस आइडिया है कार वॉशिंग एंड बाइक वॉशिंग सेंटर। दोस्तों, आजकल घर घर में बाइक है, घर घर में गाड़ी है। ऐसे में अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन पड़ी हुई है तो आप उस ज़मीन पर कार वॉशिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कार वॉशिंग शॉप के अंदर कार एंड बाइक वॉशिंग के लिए आप बड़ी आराम से 300 रुपये गाड़ी के लिए और 60 रुपये स्कूटी या फिर बाइक के लिए चार्ज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देने वाला बिजनेस आइडिया साबित होता है। फिफ्थ शॉप बिजनेस आइडिया है पतंजलि शॉप बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको बिन एडवर्टाइजमेंट किए दुकान में बैठे बैठे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो पतंजलि का शॉप ओपन करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल सब पतंजलि करती है। आपको बस उनका एक सेंटर ओपन करना है और बैठ कर पैसे कमाते रहना है। दोस्तों, छठवां शॉप बिजनेस आइडिया है आधार कार्ड सेंटर। दोस्तों, आधार कार्ड सेंटर के अंदर आप ओनली आधार कार्ड ही नहीं, उसके साथ साथ पैन कार्ड अपडेशन किंग एंड ऑल सब प्रकार के काम करके बहुत ही ज़्यादा कमाई कर सकते हो। डेली किसी ना किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं, ऐसे में वो सबसे पहले आधार सेंटर को ढूंढता है और इस टाइप का शॉप ओपन करके आप महीने के 60,000 से 70,000 बड़ी आसानी से कमा सकते हो। सेवन शॉप बिजनेस आइडिया है होलसेल शॉप बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, होलसेल के अंदर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे होने चाहिए। यहाँ पर आप जब बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा माल सस्ते में मिल जाता है, फिर आप उसी माल को थोड़े से हाई प्राइस में सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। होलसेल के अंदर आप कोई भी शॉप ओपन कर सकते हो। आठवां शॉप बिजनेस आइडिया है फिश शॉप बिजनेस। दोस्तों, फिश शॉप बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको अपने दुकान को अच्छे से सजाना है। जिन लोगों को भी फिश खाना पसंद है वो खुद चल के आपके पास आएंगे और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। नवा शॉप बिजनेस आइडिया है पान पट्टी शॉप।
दोस्तों बीच में एक ट्रेंड चला था कि कोई पान के अंदर आग लगाकर पान खाते जा रहा है। ऐसे में पान पट्टी वालों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। पान पट्टी का शॉप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला शॉप है और यहाँ पर मुनाफा भारी भरकम है। हर एक सेल के पीछे आप 5 रुपए से लेके 7 रुपए तक पैसे कमा सकते हो और हर दिन के आप पान पट्टी के जरिए 1000 से 1500 रुपए तक का प्रॉफिट निकाल सकते हो। 10th शॉप बिजनेस आइडिया है स्टेशनरी शॉप बिजनेस। दोस्तों स्टेशनरी शॉप लगभग स्टेशन के आजू बाजू या तो स्कूल के सामने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शॉप बिजनेस में से एक है। स्टेशनरी शॉप अगर आप ओपन करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। स्टूडेंट्स आपके पास चल के आएंगे, आपका माल खरीदेंगे और आपको शॉप में बैठे बैठे मुनाफा शुरू हो जाएगा।